नमस्कार, मैं मुमताज जवेरी, इंडिया लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के कुछ प्रमुख समाचारों पर। दुकानों से चोरी करने वाले बैटरी चोर को पुलिस ने लिया है रसीद में। दुकानों से बैटरियां चोरी करके बेचने वालों को सदर बाजार पुलिस ने किया जेरबंद। शहर से करीब तालाब के सामने की दुकान जो जुबेर सैयद की है, उसी दुकान को फोड़कर लगभग 1,55,000 रुपए की बैटरियां चुराई गई थी। इस चोरी के बाद बैटरियां चोर बेचने के लिए ले जाते समय बेचने की बात पुलिस को पता चलते ही पुलिस ने लोधी गली में तनाजी शिंदे, प्रवीण जाधव इन दोनों को पकड़ा। 19/7/18 फिर्याद दाखल झाली होती पोलीस स्टेशनला, त्याच्यामध्ये 2,62,000 माल चोरीला गेलेला होता। तर सदर बाजार पोलीस स्टेशनचे DB पथक, जे आता नवीन नियुक्त केलेले आमच्याकडे, ते पथकानं त्याच्यामध्ये चांगल्या प्रकारे तपास करून त्याच्यामध्ये जे एक रिक्षा आणि बॅटरीचं दुकान करून हे केलं होतं, CCTV मध्ये वगैरे त्याचं काही झालेलं होतं संपूर्ण आरोप। त्याचे जो पोलिसल आरोपी आहे तो आरोपी आणि त्याच्यातला 2,62,000 रुपयाचा माल PSI कांबळे, PSI गोळके आणि त्याची जी टीम आहे, त्या टीमने सर्व 2 आरोपी आणि 2,62,000 रुपयाचा माल सदर बाजारमध्ये आम्ही जप्त केलेला आहे। आणखीन एक कोणी त्यांचे कोणी आरोपी करून निघणार आहे आमचा, आणि सिटीमध्ये पण काही कोणी आणखी निघण्याची ते बाकीच्या पण पोलीस स्टेशनला आम्ही पाहिजे। बैटरियां बेचने के लिए ले जाते समय 24 बैटरियां और रिक्शा, इस तरह 2,55,000 रुपये का मुद्देमाल जब्त किया है। महाराष्ट्र के सोलापुर से जुल्फिकार वड्डो की रिपोर्ट। दमोह तेजगढ़ थाना के ग्राम हरदुआ हाथाघाट में फैली अज्ञात बीमारी, 2 दिन में 3 की मौत। दमोह जिले के तेजगढ़ थाना के ग्राम हरदुआ हाथीघाट में एक ऐसी बीमारी फैली है जिसका अभी तक डॉक्टर पता नहीं लगा पा रहे हैं। बीमारी से अभी तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि बीमारी लगभग 1 माह पूर्व फैली थी, जिसमें शासन द्वारा दवाइयां वितरित की गई थी, मगर बीते 2-3 दिनों से बीमारी का असर ज़्यादा नजर आने लगा और गांव के 3 लोगों की मौत हो गई। लोगों ने बताया कि कई घरों में पूरा परिवार बीमार है। सूचना के बाद प्रशासनिक अमला और डॉक्टरों की टीम गाँव पहुँचा। बीमारी नहीं जान पा रहे हैं डॉक्टर, बुखार आने के बाद होती है उल्टी दस्त, इसके बाद हो रही है मौत। कई बीमारियों के इलाज के लिए जिला अस्पताल दमोह भेजा जा रहा है। मध्य प्रदेश के दमोह से दीपक सैन की रिपोर्ट। अनूपपुर जिला सचिव पवन पटेल के नेतृत्व में शिवसेना ने SP तिलक सिंह को सौंपा ज्ञापन। शिवसेना शहडोल संभाग प्रभारी राजू पनिका के आदेश एवं अनूपपुर जिला प्रमुख रमेश राठौर के निर्देश पर शिवसेना अनूपपुर जिला सचिव पवन पटेल के नेतृत्व में शिवसेना के अनूपपुर पुलिस अधीक्षक तिलक सिंह को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन बताया जा रहा है कि थाना रामनगर में बस प्रधान आरक्षक एवं पुराधार बीट प्रभारी विजय कुमार बुंदेला से जनता परेशान है। विजय बुंदेला द्वारा पुराधार के लड़कों को झूठे आरोप लगाकर शराब के नशे में उन लोगों के घर जाकर पैसे की गुआई करता है। पैसे नहीं मिलने पर उन्हें धमकी गाली गलौज भी देता है। ये कहकर शिवसेना शहडोल संभाग प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपते समय जिला सचिव पवन पटेल, कोतमा विधानसभा महासचिव विजेश विश्वकर्मा, प्रधान नगर अध्यक्ष रमाशंकर पनिका भी मुख्य रूप से उपस्थित थे। मध्य प्रदेश के अनूपपुर से मुकेश रजक की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के पैंडा रोड में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के कार्यकर्ता गोरेला ब्लॉक के धरोली गांव पहुंचे। छत्तीसगढ़ के पैंडा रोड में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के कार्यकर्ता गोरेला ब्लॉक के धनोली गांव पहुंचे, जहां पर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किसानों के खेतों में जाकर हल चलाया और किसानों को छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस की नीतियों को बताया। वे किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरी है और किसानों से अपनी पार्टी को मजबूत करने की बात कही। हम आपको बता दें कि अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी का इलाज दिल्ली में चल रहा था, वहीं उन्होंने मौन रैली के साथ अपना चुनाव चिन्ह लेने गए थे, जिसमें अजीत जोगी जी की पार्टी छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस को हल चलाता हुआ किसान चुनाव चिन्ह मिला। छत्तीसगढ़ के पैंडा रोड से तनवीर आलम की रिपोर्ट। असम युवा कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन किया। असम युवा कांग्रेस ने सोमवार को असम में केंद्र और असम सरकार के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन किया।
युवा कांग्रेस और NSUI की कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हमेशा वादा तो बहुत करते हैं पर वो वादा ही रह जाता है, पूरा नहीं होता। सोनोवाल सरकार ने चुनाव के समय 24 घंटा बिजली देने का वादा किया था। मोदी जी बेरोजगारी और महंगाई खत्म करने का नारा दिया था, लेकिन सरकार के वे सब तस्वीरें अब नाकाम साबित हुआ। हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी युवा कांग्रेस और निर्देश मर्मे प्रतिटो समष्टिते आमक आज प्रतिबादी कार्यसूची पालन करिबोले आमक आह्वान जनाइछि। सेइ मर्मे आमी आमार सब डिविजनक आमार दुइटा समष्टिर प्रेसिडेंटे आमी आमार युवा कांग्रेसेर सदस्य सकलक लइ आजि आमी इयात আমার স্মারকপত্র দিল জিসিবিল মহোদয়। আমার স্মারকপত্র লিখা আছিল যে আমার যেটা সরকার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আর অসম গভর্নমেন্টর এই সরকারে আমার রাইজক যেটা আবহাওয়া ভরা প্রতিশ্রুতি দিছিল 24 ঘন্টায় বিদ্যুৎ দিব, এতিয়া আমরা 2 ঘন্টাও নাপাও। আমার নিবনুয়া সমস্যা লাখ লাখ সমস্যা থাকা সত্ত্বেও এটা পরিয়ালতে 4-5 জনকে APSC চাকরি পায়, ইয়ার কোনো অনুসন্ধান নাই, ইয়ার বিরুদ্ধে কোনো মুখ্যমন্ত্রী এখার মাত নিদিলে, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টও এখার মাত নিদিলে, আমি ইমান প্রতিবাদ করি আছো। अब आगे देखा जाएगा कि देश के कोने कोने में विरोध प्रदर्शन करने के बावजूद भी केंद्र व राज्य सरकार उनके वादा निभाने में कितनी जल्दी हरकत करेंगे। आसाम के दुबरी से उस्मान गनी की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। आशा के दीप जलाती वो आशा ही कहलाती वो नारी है, नारी को समझे मातृत्व की बात बताती वो। कभी राह चलते चलते कभी खुल के बातें करती वो। स्वस्थ बच्चे हों हर आंगन आशा ये ले आती वो। जननी सुरक्षा की बातें जन जन को समझाती वो। सही समय पर सही सलाह और उपचार दिलवाती वो। स्नेह सभी का पाती वो, राह उचित दिखलाती वो। आशा है नव भारत की, आशा ही कहलाती वो। स्वस्थ भारत के निर्माण में ये है इनका योगदान। और आपका? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन स्वस्थ भारत की शुरुआत होती है स्वस्थ परिवार से, आपसे। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। कैंथल के अनिज विज के आदेश पर निगरानी समिति अध्यक्ष की बड़ी कार्रवाई। कैंथल कष्ट निवारण समिति के अध्यक्ष अनिल विज के आदेश पर गुला निगरानी समिति के अध्यक्ष रवि तरावली PWD एक्शन और तमाम अधिकारियों सहित खरोड़ी रोड पर निर्माणाधीन नाले का निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान शुरुआती जांच में ही भारी खामियां पाई गई, परंतु मौके पर पहुंचे अधिकारी खामियों को मानने के लिए तैयार नहीं थे। इस पर जब निगरानी समिति के अध्यक्ष ने सख्त रुख अपनाया तो PWD XEN ने खामियों की बात को स्वीकार किया। इस दौरान जब मीडिया XEN राजकुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन नाले की निर्माण सामग्री में भारी खामियां हैं, इन खामियों को ठीक होने के बाद ही ठेकेदार की पेमेंट की जाएगी। निवारण समिति के अध्यक्ष अनिल विज के आदेश पर उनके द्वारा ये कार्रवाई की गई है और संबंधित अधिकारी और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। हरियाणा के गुलाचिका से बी कुमार गागत की रिपोर्ट। रामपुर में धारदार हथियार से युवक की हत्या, परिजनों ने 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। मामला रामपुर के मिलक खानन थाना क्षेत्र का है, जहां मृतक कुन्नू एक मीट शॉप पर काम करता था। बीती रात किसी ने धारदार हथियार से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए मीट शॉप मालिक शेरा दिलीप व ओमपाल के नौकर संतोष ठाकुर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया है। घटना के बाद से सभी आरोपी फरार है। एक पुरुष की एक हत्या हो गई है जिसमें जिस संबंध में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और इसमें 3 लोगों को नामजद किया गया है। इस संबंध में मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है और थाना अध्यक्ष के द्वारा अग्रिम जो कार्रवाई है, साक्ष्य संकलन और अन्य कार्रवाई वो की जा रही है। हत्या की वजह क्या है? अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। जैसा उन लोगों ने लिखा है तहरीर में, जिस तरह से आया है कि कल शाम को उसकी कुछ लोगों से उसका विवाद हुआ था, तो इन लोगों ने जो वादी के जो मृतक के घर वाले हैं उन्होंने उन्हीं पर शंका जाहिर करते हुए उनको नामजद किया है। किस चीज़ से हत्या हुई उसकी? अभी ये भी नहीं जानकारी है, लेकिन जितना उसकी स्थिति देखने से लग रहा है कोई शार्प वेपन से उसकी हत्या की गई है। बाकी चीजें पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट हो पाएंगे। पुलिस ने बताया मृतक के परिजनों की तहरीर पर 3 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर से सुरेश कुमार की रिपोर्ट। इलाहाबाद की मुट्टीगंज थाना क्षेत्र में गंगा के किनारे 3 सेट में पकड़ा गया अवैध बनाने की फैक्ट्री।
इलाहाबाद जिले की मुट्टीगंज थाना क्षेत्र में गंगा के किनारे टीन सेट में पकड़ा गया अवैध असलाह बनाने की फैक्ट्री। एसपी सिटी ने बताया कि चार लोगों की गिरफ्तारी की गई है जो कि घुरपुर व कुंदियारा थाना क्षेत्र में अवैध असलाह बनाने का कारखाना चलाते थे। अभी ये मुट्टीगंज में अवैध असलाह बनाने की फैक्ट्री लगा रखी थी, जिसकी जानकारी एसओ मुंडीगंज थाना क्षेत्र को हुई। देखिए, इसमें चार लोग गिरफ्तार हैं। मुट्टीगंज पुलिस ने काफी अच्छा कार्य करते हुए चार लोगों की गिरफ्तारी की है और उनके पास से चार पूर्ण निर्मित हथियार बनाने के औजार और दो अर्ध निर्मित हथियार और कुछ कारतूस भी बरामद हुए हैं। और बेसिकली इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये अलग अलग जगहों पे ऐसे हथियार बना के उनको विभिन्न जगहों पे बेचते थे। तो इन्होंने ऐसे कार्य घूरपुर और कौंधियारा वगैरह में भी कर रखा है और अभी इन्होंने स्थान बदलकर मुट्ठीगंज थाना क्षेत्र में एक जगह पे ये ऐसा कर रहे थे और तभी मुट्ठीगंज टीम ने इसको अच्छे तरीके से कार्य करते हुए इसको पकड़ा। एसओ मुंडीगंज ने छापा मार कर अवैध असलहे के साथ चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वही एसपी सिटी ने बताया कि इनका अंतर जनपदों में भी काम चलता था, जिनकी पूछताछ चल रही है। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद से मंगला प्रसाद की खास रिपोर्ट। डीआरएम ने उन्नाव रेलवे स्टेशन सहित कानपुर की छोर पर पड़ने वाले कानपुर पुल बाया किनारा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। लगातार मिल रही शिकायतों को संज्ञान में लेकर डीआरएम ने उन्नाव रेलवे स्टेशन सहित कानपुर की छोर पर पड़ने वाले कानपुर पुल बाया किनारा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। वही स्टेशन पर अचानक निरीक्षण की सूचना मिलते ही रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया। वही डीआरएम ने स्टेशन पर फैली गंदगी को देखकर कर्मचारी को फटकार लगाई। वही साफ सफाई रखने के निर्देश दिए, साथ ही स्टेशन पर बने शौचालय को साफ सुथरे रखने के निर्देश दिए। अवैध वेंडर की शिकायत मिलते गंभीरता से लेते हुए किसी भी तरह की लापरवाही होने पर कार्रवाई करने की बात कही। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से विनोद निषाद की रिपोर्ट। हमीरपुर के तहसील राठ में एक और बलात्कार। 15 वर्षीय किशोरी का ग्राम प्रधान के पुत्र ने घर से उठाकर अपने एक साथी के साथ किया गैंगरेप। मामला राठ कोतवाली के अंतर्गत आने वाले ग्राम सरसेडा का है। घटना 16 जुलाई की है। दबंगों ने किशोरी के साथ गैंगरेप करके सुनसान स्थान पर छोड़ दिया। किशोरी किसी तरह अपने मामा के घर पहुंची और अपनी पूरी दास्तान परिजनों को बताई। आरोपी का नाम देव सिंह यादव और अशोक यादव है। किशोरी का कहना है कि वह इसके बाद सीओ राठ और हमीरपुर पुलिस कप्तान के यहाँ गुहार लगा चुकी है, उसकी कहीं सुनाई नहीं हो रही है। इसी घटनाक्रम के चलते गांव के सैकड़ों लोगों ने थाने पहुंचकर न्याय की मांग और परिवारजनों का कहना था कि अगर हमारी मांग पर न्याय नहीं मिला तो हम यहाँ आत्मदाह कर लेंगे। जब ये बात पत्रकारों तक पहुंची तो पत्रकार ने तुरंत ही मामला संज्ञान में लेते हुए पहुंचे। पत्रकारों के इस मामले में इन्वॉल्व होते ही पुलिस हरकत में आ गई और तुरंत ही ग्राम सरसेडा में आरोपी के घर में दबिश दी गई। अंदर हमारे कमरे में जहाँ पे हम सोते थे, छपरा में सोए हुए थे, वहाँ पे अशोक और देव सिंह आए। वो पता नहीं मेरे ऊपर थोड़ी हाथ रखता तो मैं जागू, तुरंत उसने मेरा मुंह बंद करके मुझे एक साइड खड़ा कर दिया। इसके बाद अशोक ने मतलब चारपाई पे आग लगा दी। चारपाई तो निवार की थी इसलिए वो सब जल गई, मुझे पता नहीं। लेकिन और वो मुझे अशोक ने गेट खोला और मोटरसाइकिल में बिठाया, बीच में देव सिंह ने पकड़ के ले गई। जनपद हमीरपुर के थाना राठ में एक 16 वर्षीय बच्ची को घर से कुछ लोगों द्वारा बहला फुला कर ले जाने की बात संज्ञान में आई है, जिसके संबंध में पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर थाना राठ पर FIR दर्ज की गई है। पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया है। 164 का बयान करा करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकरण में दो अभियुक्त नामजद हैं, जिनको शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की बात कही। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से हरि माधव मिश्रा की रिपोर्ट। मुमताज जवेरी, इंडिया लाइव न्यूज, मुंबई। इंडिया लाइव न्यूज में खबरों का सफरनामा करते समय मुमताज जवेरी को दीजिए इजाजत, लेकिन आपसे चलते चलते गुजारिश विनती है। अगर आपके इलाके में भी घटना घटित हुई है या आपके पास कोई समस्या है तो स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबर पर आप हमें सीधे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं indialivenews@gmail.com पर, या आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हैं www.indialivenews.co.in पर। नमस्कार।